नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग ना ध्यान दीजिए, आपके सामने बोर्ड पे कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, ध्वनि, सोनार और रडार, अम्ल क्षार, रक्त यानी ब्लड ग्रुप और पृष्ठ तनाव। इन सभी टॉपिकों पे ना अच्छे से चर्चा करेंगे। अब तक टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। पूरे शिद्दत से बने रहिए। अगर आपने पुराना लेक्चर यानी जो पिछले लेक्चर है उनको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। पूरे शिद्दत से बने रहिए, यकीन मानिए जितना चीज बताएंगे ना पेपर में आपसे सीधे सीधे क्या होगा, टकराएगा। रेलवे पेपर कराएगा 100%, सब कुछ श्योर है। 17 तारीख से पहले फेज के पेपर शुरू होंगे, पूरा जी जान लगा दीजिए, एक सीट अपना पक्का करना है। चलिए ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। आपका आज का पहला साथियों टॉपिक क्या है, ध्वनि। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहले बात करते हैं ध्वनि है क्या। ध्वनि यानी साउंड है ना, ध्वनि यानी कि साउंड, ध्यान से समझिएगा। ध्वनि एक प्रकार की क्या है साथियों, ऊर्जा है। पूरी चीजों को समझाएंगे नहीं, बस नोट्स जो मेन पॉइंट है उसी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब हम क्लास लेते हैं ना तब चीजों को अच्छे से समझाते हैं। ये क्लास नहीं चल रही है डीपली वाली, केवल क्विक रिविजन है, बस ध्यान देते रहिए। चलिए, ध्वनि एक प्रकार की क्या है साथियों, ऊर्जा है। अच्छा, बात कर ले कि यह किस प्रकार की तरंग है तो छाप लीजिए, ये कैसी तरंग है साथियों, यांत्रिक तरंग है। ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में भी दो तरंगें होती हैं, ध्यान से समझिएगा, एक अनुप्रस्थ, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। बट जो ध्वनि है ना साथियों वो अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी वाली है, अनुदैर्ध्य है और यांत्रिक तरंग तो है ही है बट अनुदैर्ध्य है। अब यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनको चलने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, कोई न कोई माध्यम यानी ठोस हो, माध्यम वो ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो, कोई न कोई माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, कोई एक माध्यम जरूर चाहिए तभी ध्वनि चलेगी। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, नोट करके लिख लीजिएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, निर्वात में नहीं चलता। पास पास बैठे रहिएगा ना, बीच में वायु ना हो, हम बोलेंगे आप नहीं सुन पाएंगे, क्यों, क्योंकि ध्वनि है यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और माध्यम चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, इसी कारण निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है। नोट करके छाप लीजिएगा कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है प्लस अनुदैर्ध्य, यांत्रिक में ही अनुदैर्ध्य तरंग है। पेपर में क्या छपता है कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है या ध्वनि कौन सी तरंग है, ऑप्शन में यांत्रिक होगा मार दीजिएगा, अनुदैर्ध्य होगा मार दीजिएगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य दोनों करके दे दिया, जैसे ऐसे लिख देगा कि यांत्रिक अनुदैर्ध्य, क्या लिख देगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य, तब भी आंसर क्या आपका होगा, यही सही होगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। नोट करके क्या करिएगा, छाप लीजिएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल जीरो होता है, सबसे अधिक किसमें होता है, छाप लीजिएगा, सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, वो भी ठोस में अगर सबसे ज्यादा बात करें ना, हाँ तो स्टील में, लिख लीजिएगा किसमें, स्टील में, कहीं कहीं एल्यूमिनियम दिया होगा, एल्यूमिनियम है ना, बट हम लोग क्या मानते हैं, स्टील ही मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में दिखा तो एल्यूमिनियम लगा दीजिएगा, अन्यथा क्या करिएगा, स्टील, बट सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में, और सबसे कम किसमें, निर्वात में, बिल्कुल भी नहीं चलता। जस्ट अभी समझिएगा, प्रकाश है ना, प्रकाश जस्ट बात किया जाएगा, लाइट है ना, ध्यान दीजिएगा, बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है आकाश में तो पहले प्रकाश आता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल देखिए 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्यान दीजिएगा, जबकि ध्वनि की चाल वायु में,
किसमें वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड, कहीं कहीं 330 भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन में आपको कोई एक नजदीक वाला ही मिलेगा, बहुत दूर दूर ऑप्शन दिएगा हमको ना। और वो 332 मीटर प्रति सेकेंड किसमें वायु में, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे ना माध्यम का, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। ये कौन से टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना। वायु अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होगी। चलिए तो देखिए 332 मीटर प्रति सेकेंड, और ये देखिए 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, खुद से सोचिएगा कौन जल्दी आएगा। जब बिजली चमकती है पहले प्रकाश आता है बाद में ध्वनि आती है, क्यों, यही रीजन है, क्योंकि इनके चाल में देखिए क्या है, बहुत ही बड़का वाला डिफरेंस है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अगला ध्यान दीजिए, जो ध्वनि से इंपॉर्टेंट चीज था हम बाहर रख दिए। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, आगे बात करेंगे अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। श्रव्य तरंगे किसे कहते, पराश्रव्य किसे कहते और अवश्रव्य किसे कहते, नोट करके छापिए, क्वेश्चन यहां से बनता है। चलिए एक हो गया अवश्रव्य, दूसरा क्या है साथियों श्रव्य, और तीसरा क्या है पराश्रव्य, है ना, पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अवश्रव्य साथियों ऐसी तरंगे ना जिनका आवृत्ति, ध्यान दीजिए क्या चीज, आवृत्ति क्या होता है समझ लीजिए, आवृत्ति किसे कहते, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आवृत्ति बराबर 1/k आवर्तकाल, है ना, 1/k आवर्तकाल होता है। आवृत्ति किसे कहते, 1 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड में किए गए कुल कंपनों की या चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अगर कोई वस्तु 1 सेकेंड में 20 कंपन कर रही है उसकी आवृत्ति हो जाएगी 20। मात्रक क्या लिखते हैं, छाप लीजिएगा, मात्रक लिखते हैं हर्ट्ज, क्या लिखते हैं हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं ना, हाँ हर्ट्ज HZ से लिखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए किसका मात्रक है साथियों, आवृत्ति का। अब ध्यान दीजिए जो पराश्रव्य तरंगे होती है ना इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज तक, है ना, 20 हर्ट्ज तक होती है आवृत्ति किसकी, अवश्रव्य की। पराश्रव्य की कितनी होती है साथियों, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है श्रव्य की, और 20 हर्ट्ज तक अधिकतम देखिए 0 से 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज अवश्रव्य, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक चले जाइएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना, किसकी हो जाएगी, पराश्रव्य की। चलिए ध्यान दीजिएगा ई कब उत्पन्न होती है, ई जब ज्वालामुखी फूटता है ना, जब ज्वालामुखी फूटता है, ज्वालामुखी है ना, भूस्खलन, ध्यान दीजिएगा भूस्खलन है ना, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन, भूकंप आना, भूकंप आना, इस सब तब उत्पन्न होती है कौन सी वाली तरंगे साथियों, अवश्रव्य तरंगे, ठीक है। अवश्रव्य तरंगों को ही मनुष्य क्या करता है, सुन पाता है ना, मनुष्य कौन सी तरंगों को सुन सकता है, श्रव्य तरंगे, पेपर में डायरेक्ट छपेगा मनुष्य किस प्रकार की तरंगों को सुन सकता है, तो कौन सी वाली, श्रव्य तरंगे। अगला ध्यान दीजिएगा पराश्रव्य तरंगे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कुत्ता बिल्ली चमगादड़ है ना, ये सब उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते साथियों, हाँ पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, कुत्ता बिल्ली चमगादड़, इसी चमगादड़ देखिए ना, चमगादड़ को रात में दिखता है ना, कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है, पराश्रव्य ध्वनि या पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंगे जाती हैं और आगे किसी भी अवरोधक से टकरा के वापस आती हैं, उसी को वो सुन लेता है और समझ जाता है कि आगे कुछ ना कुछ चीजें हैं। चलिए तो ये थी आपके पास कुछ ध्वनि तरंगे जिनको आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में अवश्रव्य 20 हर्ट्ज तक, श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, इसी को मनुष्य सुन सकता है, पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ इनको अच्छे से सुन सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ना, सोनार और रडार, ध्यान दीजिएगा कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं ना साथियों, इसी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके सोनार नामक डिवाइस बनाया गया है। क्या होता है सोनार, चलिए ध्यान दीजिए, सोना बेचने वाला सोनार नहीं ना,
सोना बेचने वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा, सोनार की बात कर रहे हैं, यह एक डिवाइस है ना। फुल फॉर्म क्या होता है ध्यान दीजिएगा, साउंड छाप लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, छाप लीजिए फुल फॉर्म ना, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये सोनार का क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या होता है ये समुद्र में ना, ध्यान दीजिएगा, समुद्र में गहराई ये माप सकता है, समुद्र में गहराई किसी भी वस्तु की गहराई को क्या कर सकता है, माप सकता है, कौन, सोनार। या फिर समुद्र के नीचे जो सबमरीन यानी पनडुब्बियां होती है ना, हाँ, ऊपर से इसको जहाज द्वारा सिग्नल क्या किया जाता है, भेजा जाता है इस पनडुब्बी पे, और यह फिर से वापस होती है पराश्रव्य ध्वनि, और यही इस डिवाइस होता है सोनार। कुछ है नहीं, कोई बड़का डिवाइस नहीं है। कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य उत्पन्न करते हैं ऊपर से, और वहीं जाती है नीचे, किसी अवरोधक से टकराती है, वापस आती है, यही डिवाइस है कौन सी वाली, सोनार। क्या करते हैं, समुद्र के नीचे कोई भी चीज उपस्थित है उसकी गहराई का पता लगाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिए, रेडार। रेडार क्या करता है साथियों, आकाश में। रडार कहाँ काम करता है, रडार हमारा काम करता है आकाश में, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा साथियों, हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। किसका है साथियों, ध्यान दीजिएगा, रेडार का ये फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये क्या करता है, अभी जस्ट बताई दी है, क्या काम करता है साथियों, हाँ, आकाश में देखिए, कभी कभी न्यूज आप लोग देखते होंगे कि रेडार की पकड़ में नहीं आया, इतना तेज तेजस्वी वाहन उड़ गया, है ना, सुनते होंगे, वही रेडार यही डिवाइस है ना। ये क्या करता है ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडार होता है ना साथियों, ये ध्वनि पे बेस्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जबकि सोनार ध्वनि पे बेस्ड है, देखिए साउंड आ गया है ना, ये किस पे फिर बेस्ड है, ये प्रकाश पे बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा, किस पे है, प्रकाश पे बेस्ड है ना, इसको जब प्रकाश करवाएंगे वहां पे अच्छे से समझाएंगे, बस यहाँ पे सोनार आया था इसीलिए हम दोनों को लिख दिए, साथ में रडार भी है ना, सोनार और रडार दोनों। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला चलते साथियों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल और क्षार पे, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, लवड़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लवड़ को अगले टॉपिक में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लवड़ थोड़ा बड़ा पोर्शन है इसीलिए उसको अलग से इंक्लूड करके देखा जाएगा। चलिए अम्ल की बात कर लेते हैं, अम्ल यानी एसिड है ना, चलिए एसिड बेस दोनों साथ में ले लेते हैं, बेस यानी क्षार है ना, एसिड और बेस दोनों साथ में ले रहे हैं, अम्ल और क्षार दोनों साथ में। अम्ल क्या होते हैं, जिनको जल में घोलने पे H+ आयन में क्या हो, टूट जाए, H+ आयन में टूटेगा अम्ल, OH- में टूट गया क्षार, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस है ना, अरहेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलेंगे एच प्लस में टूट जाएगा अम्ल, और जिनको जल में घोलने पे ओ एच माइनस में टूटेगा वो क्षार। चलिए ध्यान दीजिए, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अम्ल हैं, छाप लीजिएगा एच सी एल, एच टू एस ओ फोर, एच एन ओ थ्री, नाम बता दीजिए है ना, चलिए नाम लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा नाइट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिए ये तीनों जो लिखे हैं ना प्रबल अम्ल है, कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल है। चलिए ये जो H2SO4 है ना, इसी को कहते हैं अम्लराज, क्या कहते हैं, अम्लराज यानी अम्लों का राजा, पेपर में छपेगा कि अम्लराज किसे कहते हैं या अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। चलिए अगला ध्यान दीजिए, क्षार की अगर बात कर लीजिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए ये क्या है आपके सामने, क्षार है, देखिए इसमें OH OH आ रहा है क्षार, केवल H H आया अम्ल, पहचान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा, एक नोट करके कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ना,
धातु के ऑक्साइड सब क्या होते हैं, सब क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं साथियों, धातु के ऑक्साइड जितने भी होंगे ना सब क्षारीय होंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ना, ध्यान दीजिए सब क्या है, सब क्षारीय है, ठीक है। जितने धातु के ऑक्साइड होंगे सब क्या होंगे, क्षारीय होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पीएच वैल्यू, जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पीएच वैल्यू क्या होती है, अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करता है ना, कि यह अम्ल है कि क्षार है, कहां से कहां तक पीएच पैमाना चलता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो से लेके 14 तक, जीरो से लेके 14 बीचवा में होगा 7, और यही पॉइंट होता है उदासीन बिंदु। कौन सा बिंदु, उदासीन बिंदु है ना, उदासीन बिंदु यानी न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहानी है इसकी, इस पे जल का, जो जल होता है ना शुद्ध जल, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, पेपर में डायरेक्ट छपा हुआ। 7 के नीचे आइएगा अम्ल होंगे, क्या होंगे, अम्ल। 7 के ऊपर जाइएगा क्या होंगे, क्षार होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसी जगह 6.4 होगा, 6.4 किसका होता है, छाप लीजिए, दूध की पीएच वैल्यू होती है कितना, 6.4। 7.4 ब्लड की पीएच वैल्यू, किसकी, ब्लड की पीएच वैल्यू। 7 किसका होता है, बताई दिए, जल का या फिर कोई भी लवण होगा ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। जैसे नमक, NaCl, लवण वाले चैप्टर में बताएंगे, और NaCl क्या है, एक लवण है, सोडियम क्लोराइड, इसी को साधारण नमक भी कहते हैं। ध्यान दीजिए इसकी पीएच वैल्यू भी कितनी, 7। चलिए पीएच पैमाना को कौन खोजा, लिख लीजिए, पीएच पैमाने का खोज करता सोरेनसन है ना, कौन वैज्ञानिक, सोरेनसन है ना, सोरेनसन ने क्या किया साथियों, पीएच पैमाने को खोजा है। चलिए 7 के नीचे अम्ल, 7 के ऊपर जाइएगा क्षार, 7 पे अटक जाइएगा तो उदासीन बिंदु, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, जैसे जल का और लवण का। चलिए ध्यान दीजिए, अम्ल क्षार में एक वर्ड आता है साथियों, क्या, सूचक। क्या आता है, सूचक यानी इंडिकेटर, ध्यान दीजिएगा, सूचक की बात कर ले रहे हैं, इंडिकेटर होता है यानी जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है। दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा साथियों कृत्रिम है ना, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में हल्दी, ध्यान दीजिएगा हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां है ना, गुड़हल की पंखुड़ी, ध्यान से समझिएगा, और प्लस लिटमस पेपर, ध्यान दीजिए लिटमस पेपर है ना, और इसी लिटमस पेपर के बारे में हम आपको बताएंगे। कृत्रिम में कौन साथियों, फिनाफ्थलिन है, फिनाफ्थलिन, ध्यान दीजिएगा फिनाफ्थलिन, मेथिल रेड, मेथिल रेड और मेथिल ब्लू, मेथिल ब्लू, मिथाइल ब्लू भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये क्या है साथियों, इस सब कृत्रिम सूचक है ना, कृत्रिम यानी मानव निर्मित सूचक है ये, जबकि ये क्या है, प्राकृतिक है। मेन कौन बताएं, लिटमस पेपर। चलिए साइड में आ जाइए, लिटमस पेपर की बात कर ले रहे हैं ना, कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं, एक लाल और एक नीला है ना। कैसा होता है, इतना बड़ा एक कागज का टुकड़ा होगा, सेम जितना बड़ा बनाए है ना, हल्का एक नीला होगा, एक हल्का लाल होगा। देखिए लाल लेते हैं क्षार की टेस्टिंग के लिए और नीला लेते हैं अम्ल की टेस्टिंग के लिए, मतलब ना ये कि अगर लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालिएगा ना, वो किस में बदल जाएगा, नीला में बदल जाएगा, और नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालिएगा ना, किस में बदल जाएगा, लाल लिटमस में बदल जाएगा। कैसे, याद रखिएगा, ला में आ की मात्रा आ रही है और क्षार में भी आ की मात्रा आ रही है, इसे क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा कि लाल लिटमस पेपर क्षार के लिए उपयोग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट था, छाप लीजिएगा। अगला, चलिए अगला बात करते हैं किसकी साथियों, ब्लड की। ब्लड की बात करेंगे, ब्लड क्या है, पहला पॉइंट छापिए, ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। कैसा है, तरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड की ना, ब्लड यानी रक्त। चलिए देखिए पहले कुछ मेन पॉइंट ना, हाँ, रक्त का पीएच वैल्यू अभी जस्ट बताएं कितना, 7.4, ध्यान देते रहिएगा,
मेन मेन पॉइंट लिख रहे हैं जो डायरेक्ट पेपर में क्या होंगे छपेंगे। चलिए पीएच वैल्यू 7.4। अच्छा मनुष्य में यानी पुरुष में कितना होता है ब्लड, लिख लीजिएगा लगभग 5.5 लीटर। महिलाओं में लिख लीजिएगा लगभग 5 लीटर। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, स्टोर कहाँ होता है ब्लड, है ना, स्टोर होता है प्लीहा, कहाँ पे प्लीहा, इसी को स्प्लीन भी बोलते हैं ना, स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा। एक नाम और है लिख लीजिएगा तिल्ली, है ना, स्प्लीन प्लीहा अथवा तिल्ली, ठीक है। स्टोर होता है पेट में ही होता है, इधर स्प्लीन है ना, उसी में क्या होता है स्टोर होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, निर्माण कहाँ पे होता है ब्लड का, ब्लड का निर्माण है ना, ब्लड का निर्माण जो होता है साथियों, अगर शिशु की बात करें तो शिशु के भ्रूण में होता है, ध्यान दीजिएगा शिशु में ब्लड का निर्माण भ्रूण में होता है। जबकि वयस्क मनुष्य की बात करें ना, वयस्क मनुष्य में बोन मैरो है ना, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, लिख लीजिएगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। क्रिस 3 वाला मूवी देखे होंगे, बोन मैरो ढूंढ रहा था ना, वही बोन मैरो, जहां पे ब्लड का क्या होता है निर्माण, कहां पे होता है बोन मैरो, जो बड़ी हड्डियां है ना, जो बड़ी हड्डियां होती हैं उन्हीं के बीच में जाली नुमा क्या होता है संरचना होता है, वही होता है बोन मैरो। चलिए ध्यान दीजिएगा और क्या साथियों, हाँ ब्लड का निर्माण तो हो ही गया, स्टोर हो गया, और एक चीज और लिख लिया आरबीसी का कब्रिस्तान, है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान। अच्छा ध्यान दीजिए आरबीसी जो होता है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। हाँ आरबीसी में अभी समझाएंगे, जब अच्छे समझाएंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। आरबीसी ना, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है साथियों, आरबीसी का कब्रिस्तान इसी को कहते हैं, किसको, प्लीहा, प्लीहा अथवा वही स्प्लीन अथवा तिल्ली, जो भी नाम लिख लीजिएगा। अच्छा ब्लड की कमी से होने वाला रोग है ना, ब्लड की कमी से होने वाला रोग छाप लीजिएगा, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त अल्पता ना, हाँ रक्त अल्पता या फिर रक्त अल्पता, या फिर इसी को बोलते एनीमिया, क्या बोलते एनीमिया ना, हाँ रक्त अल्पता भाई खून की कमी हो जाना। कौन सी कमी, हाँ किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है ना, रंग डिसाइड करता है लाल, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कह दे चाहे रक्त कह दे, कौन सी बीमारी, यही एनीमिया है ना, कोई दिक्कत, आयरन की कमी से भी यही रक्त अल्पता या फिर एनीमिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके संबंध में, ब्लड के संबंध में। अब ब्लड को दो भागों में क्या करने चल रहे हैं, बांटने चल रहे हैं। चलिए ब्लड को दो भागों में क्या कर रहे हैं साथियों, बांट दे रहे हैं, एक होता है प्लाज्मा, ध्यान दीजिएगा एक होता है साथियों प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु यानी कार्पल, है ना, रुधिराणु यानी कार्पल। प्लाज्मा लगभग 55 से 60%, ध्यान दीजिएगा 55 से 60%, कहीं 55 होगा कहीं 60, 55 से 60% होता है, जो शेष बचा वो ये हो गया 45 से 40%। चलिए 40 से 45 भी लिख लीजिए, है ना, इतना परसेंट होता है रुधिराणु। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, छाप लीजिएगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट है, जरूर छापिएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ब्लड, ध्यान दीजिएगा ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने में ये मदद करते हैं, यही प्रोटीन है। पेपर में डायरेक्ट छपेगा कि ब्लड के थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन पार्टिसिपेट करता, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ किस रंग का होता है साथियों, सबको पता है बच्चा बच्चा, हल्का पीला रंग ना, हल्का पीला रंग का होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये किस फॉर्म में होता है, पूरी तरीके से द्रव फॉर्म में होता है, है ना, उलट दीजिएगा बह जाएगा। रुधिराणु कैसे होते हैं, कण होते हैं, ये कण होते हैं और इसी द्रव में क्या करते रहते हैं, बहते रहते हैं। कितने भागों में बटे ये, टोटल 3 है, ये भी है ना 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स को अंग्रेजी में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते साथियों, बिंबाणु, है ना, कभी कभी दे देता है बिंबाणु, लड़के समझ नहीं पाते हैं।
चलिए आरबीसी का अगर केमिकल नेम समझे है ना, एरिथ्रोसाइट ना, क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा ना कि आरबीसी का केमिकल नाम चाहे रासायनिक नाम है ना, या आरबीसी का अलग नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट छपेगा है ना, एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। चलिए ध्यान दीजिए, ही दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा है ना, थ्रोम्बोसाइट ये क्या है साथियों, हाँ बीमारू का केमिकल नेम है ना, थ्रोम्बोसाइट ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी आरबीसी एरिथ्रोसाइट। कितने दिन जिंदा रहते हैं ये है ना, डायरेक्ट पूछता है इनका जीवन काल 120 दिन, 120 दिन में आरबीसी मर जाएगा और मरेगा तो इसका कब्रिस्तान बताया था ना कहाँ पे है, कहाँ पे है, प्लीहा स्प्लीन दिल्ली है ना, वही कब्रिस्तान है ठीक है। डब्ल्यूबीसी लगभग साथियों 4 दिन तक जीवित रहता है, लगभग कितने दिन तक, 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये कितने मात्रा में है, ये 50 लाख है ना, लगभग कितना 50 लाख, हॉय कितना 10,000, हॉय कितना 2 लाख। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब पकड़ लेता है कौन सा रोग, टाइफाइड है ना, टाइफाइड बुखार, तो उसमें यही बीमारु यानी प्लेटलेट्स क्या होता है घट जाते हैं, यानी इनकी संख्या देखिए होनी कितनी चाहिए 2 लाख, कहने सुनते अरे हमारा प्लेटलेट 40,000 हो गया है, 20,000 हो गया है, अरे जब 40,000-20,000 वाले केस पे आ जाएंगे ना तो मरने वाली स्थिति होगी, जिंदा बहुत कम केस होगा ना। ध्यान दीजिएगा कैसे बढ़ा सकते हैं इसको, हाँ कीवी वाला फल, बकरी का दूध पीजिए है ना, हाँ पपीता जम के खाइए, जो प्लेटलेट्स होगा वो क्या होगा बढ़ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट थे, हम छाप दिए, आप लोग भी क्या करिएगा छाप लीजिएगा। चलिए अगला ध्यान देते हैं साथियों, अगला ध्यान देंगे ना, अगला क्या है, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ना, ब्लड ग्रुप ना, अच्छा एक चीज छाप लीजिए ना, ब्लड ग्रुप पहले खोजकर्ता लिख लीजिए, खोजकर्ता कौन है साथियों, कार्ल लैंडस्टीनर, क्या कार्ल लैंडस्टीनर है ना, कार्ल लैंडस्टीनर किसके खोज करता है, ब्लड ग्रुप का। अच्छा रक्त परिसंचरण तंत्र का पूछ दे तो, रक्त परिसंचरण है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता है ना विलियम हार्वे, क्या लिखिएगा विलियम हार्वे, किसके रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण मतलब रक्त शरीर में हर जगह बहता है, कौन बताया विलियम हार्वे ने, और ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने। कितने ब्लड ग्रुप है, 4 हैं टोटल, कितने 4, ए बी ए बी और एक साथियों आखिरी ओ है ना। अब ध्यान दीजिए एक वैज्ञानिक कौन है, वीनर है ना, वीनर जिन्होंने रीसस बंदर में ना, रीसस बंदर जिनके मुंह लाल होते हैं ना, हाँ रीसस बंदरों में ना एक अजीबो गरीब हरकत देखा उनके ब्लड में ना, उनके ब्लड के सैंपल में अजीबो गरीब चीजों को देखा, उसी से उन्होंने क्या बना दिया, इन्हीं ब्लड ग्रुपों को बदल दिया, ए माइनस और ए पॉजिटिव है ना, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव, और बी को बदल दिया बी निगेटिव बी पॉजिटिव, और ए को बदल दिया ए बी को बदल दिया ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव, ओ को बदल दिया ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा किसने ढूंढा, ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछे रिसर्च फैक्टर है ना, ध्यान दीजिए कौन ढूंढा, विनर ने रिसर्च फैक्टर को ढूंढा, विनर ने, और जबकि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे कार्ल लैंडस्टीनर। रिसर्च फैक्टर को कौन ढूंढा, वीनर, रक्त परिसंचरण तंत्र को कौन ढूंढा, विलियम हार्वे। चलिए ध्यान दीजिएगा जो ए बी, ध्यान दीजिए साथियों जो ए बी पॉजिटिव है ना, ये सर्व सर्वग्राही रक्त समूह है, क्या है सर्वग्राही, मतलब ये सबसे ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है, और जो ओ निगेटिव है ना साथियों सर्वदाता है, सर्वदाता सबको देने वाला। अच्छा अगर ऐसे पूछ ले तो ए बी लेने वाला और ओ देने वाला, और ओ माइनस और ओ पॉजिटिव में पूछ दे तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि ओ निगेटिव होता है सर्वदाता, ए बी पॉजिटिव होता है सर्वग्राही। चलिए अब अगला बात करते हैं साथियों कि ब्लड जमता कैसे कैसे, ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखेंगे कि रक्त को जमने में
कौन कौन से चीज कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा अभी जस्ट बताए थे कि प्रोटीन में कौन कौन भाग लेगा। देखिए रक्त का थक्का जमना, है ना, रक्त का थक्का जमना कौन जमाता है, प्रोटीन में कौन है, फाइब्रिनोजेन, ध्यान दीजिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, है ना, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रक्त के थक्का जमने में मदद करते हैं। अगर बात कर ले विटामिन की, विटामिन्स का, तो विटामिन में कौन सा विटामिन, विटामिन के, इसी की कमी से रक्त का थक्का ठीक से जमता नहीं है, यानी रक्त को थक्का जमाने में कौन पार्टिसिपेट करता है, विटामिन के। और अगर तत्व की बात कर ले, तत्व या फिर धातु की, तो कौन है साथियों, कैल्शियम, है ना, तत्व या फिर धातु की बात कर लेंगे तो कैल्शियम है। एक आखिरी बात कर लीजिए कि अगर रुधिराणु की बात करें, कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, बता दे रहे हैं प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स भाग लेता है रक्त को जमाने में। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोटीन पूछा तो ये आंसर, अगर विटामिन पूछा तो ये आंसर, तत्व या धातु पूछा तो ये आंसर, रुधिराणु पूछा तो प्लेटलेट्स। लड़के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में विटामिन, विटामिन एक के रूप में देता है तो के मारना पड़ता है, कभी कभी धातु के रूप में देता है सीए मारना पड़ता है, तो उनको लगता है कैसे कैसे सब उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, तो ध्यान दीजिए उल्टा पुल्टा होता नहीं है, वास्तविकता यही है, हम लोग उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे समझिएगा कि प्रोटीन पूछेगा तो ये दोनों, विटामिन पूछेगा तो ये, तत्व धातु में पूछा तो ये, रुधिराणु में पूछा तो प्लेटलेट्स। एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं कट जाए तो ब्लड बाहर जम जाए, अंदर नहीं जमना चाहिए, तो अंदर जमने से कौन रोकता है, छाप लीजिए, है ना, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, छाप लीजिए, पेपर में कई बार पूछा है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन है साथियों, हिपेरिन, कौन है, हिपेरिन, हिपेरिन ना, हिपेरिन क्या है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, यानी अंदर ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। कहाँ बनता है ये लिख लीजिएगा, कहाँ पे निर्माण होता है इसका, लीवर में ना, लीवर यानी यकृत में, और ये यकृत क्या है, सबसे बड़की वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो खोपड़ी में है ना, ब्रेन में। चलिए अब अगला बात कर, ब्लड साफ हो गया साथियों, हाँ जो ब्लड से क्वेश्चन बन सकता था ना इम्पोर्टेंट, हम आपके सामने रख चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट है पृष्ठ तनाव, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, बारिश होता है, बारिश होता है ना, बारिश की बूंदें जो गोल गोल होती है ना, वो कौन सी घटना के कारण, इसी पृष्ठ तनाव की घटना के कारण। ध्यान दीजिएगा पृष्ठ तनाव की अगर बात कर ले, पृष्ठ तनाव क्या होता है साथियों, टी बराबर एफ बटे एल होता है, यफ है बल और नीचे है लंबाई, ध्यान दीजिएगा यफ है बल नीचे है लंबाई, यह पृष्ठ तनाव का सूत्र। मात्रक की बात कर लें, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, क्या होता है इस घटना के कारण, क्या होता है ना कि कोई भी द्रव है ना वो कम से कम सरफेस कवर करना चाहता है, यही होता है पृष्ठ तनाव। जैसे पानी कम से कम गोल के रूप में रहेगी तो कम जगह छेकेगी, फैल जाएगी तो ज्यादा जगह छेकेगी, है ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की जो वर्षा की बूंदे होती है ना वो गोल आकार की होती है, इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम बता दिए आपको। ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम लोग आज बात कर लिए, ध्वनि पे बात हो गया, सोनार रेडार हो गया, अम्ल क्षार हो गया, लवण बचा है, लवण को अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ब्लड हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सेशन और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है और अगर आपको ये सीरीज बहुत बढ़िया लग रही है, अपने दोस्तों के साथ भी क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।